रुक कर लेते हैं इस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर का, राजस्थान के रीट पेपर घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई आपको बताते चले। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी द्वारा राजस्थान के 11 लोकेशंस में सर्च ऑपरेशन की जा रही है। जांच एजेंसी द्वारा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी सूचना आपको बता रहे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के यहां ईडी की टीम पहुंची हुई और पेपर लीक घोटाला मामले में जांच की जा रही है। विधायक ओम प्रकाश उल्ला के यहां भी सर्च कार्रवाई जारी है। इस वक्त ये सबसे बड़ी सूचना आपको बता रहे हैं, जहां पर जांच के आज कई नेताओं तक पहुंचते हुए नजर आ रहे। इससे पहले भी लगातार ईडी पेपर लीक घोटाले को लेकर जांच कर रही है, कई जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई है। और बड़ी सूचना आपको बताते चले, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के यहां भी सर्च की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पर, केंद्र की सरकार पर, कि जहां पर इलेक्शंस होते हैं वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। इससे पहले भी जब ईडी और सीबीआई की ओर से कार्रवाई की जा रही थी तो कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए गए। अब देखना है, चूंकि दो बड़े नेताओं के घर ईडी की टीम पहुंची है, क्या रिएक्शंस कांग्रेस की ओर से सामने आते हैं। हालांकि पेपर लीक घोटाले को लेकर लगातार ईडी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ईडी का कहना है कि एक भी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, जितने भी आरोपी हैं सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो कुल 11 लोकेशंस जहां पर इस वक्त टीम पहुंची हुई है, ईडी की टीम और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम, दो बड़े नेताओं के घर भी पहुंची हुई है। आपको बताते चले, कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जहां पर ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है, कार्रवाई लगातार जारी है, तो वहीं विधायक ओम प्रकाश हुल्ला के यहां भी सर्च की कार्रवाई जारी है। तो पेपर लीक कांड से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक के बड़ा मुद्दा जिसे लगातार बीजेपी भुनाती चली आ रही है और इस मुद्दे को चुनाव में भी उठाए जा रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहते हुए बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, तो वहीं ईडी की टीम भी कई जगहों पर पहुंची हुई है।